हे रानी, की रानी उठ बाई दे घंगरिया मेरी जल की बारिश में। आज राजा बोले, रानी अरे फूलू नहीं एहसान तुम्हारे मुख उठो न बैठो जाई हूँ रानी, अरे भूलू नहीं एहसान तुम्हारे मुख उठो न बैठो जाई हूँ रानी, पे चली न जाई डगरिया रानी जल की भरी रनिया उठवाई दे डगरिया मेरी जल की भरी। हे रानी, हे माधवी, आज मुझे 35 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया, अगर और देर हुई तो रानी तारा मेरा मालक बहुत फटकार लगाएगा। अरे कालू भंगी को नो करू मुई लाखू के बेगाली हरी काली भंगी को न करूं मुई लाखू दी बेगाली हो रनिया, ए ले गो डंडन से खबरिया मेरी दल की भरी, राजा हरिचंद्र बोले, हे रानी तारा, अरे मेरा दुर्बल भयो शरीर रानी भरो घड़ा उठवाए, हे रानी भाई 35 दिन रानी को नहीं अन्न मिलो नहीं पानी, रानी भरो बड़ा उठवाए,
रानी तारा से जिस वक्त इतने शब्द कहे हैं तो रानी ने एक बात कही महाराज तुम रानी चलरा पानी हम भरी ब्राह्मण रानी रानी तारा बोली महाराज क्षमा करना इस धर्म की खातिर आप बिक गए मुझे बेच दिया या आ गए आप एक कालू मैदर के यहाँ पर घड़ा भरती हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पर नौकरी कर रही हूँ अगर मैंने तुम्हें घड़ा उठवाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा घड़ा तो नहीं उठवा सकती हूँ लेकिन एक उपाय अवश्य बता सकती हूँ रानी बोली निकल गए ओ पल्लू करी की घड़ा उठाइयो ओ सैया निकल गए राजा हरिचंद्र कहने लगी समझ गया मैं ना